हिंदी में एक बूढ़ी औरत है भाई साहब और वो जो है वो दिए जो होते हैं ना मिट्टी के बने हुए क्योंकि दिवाली है वो बेच रही है और उनका गुजारा कैसे होता है और लोग उनसे कैसे खरीदते हैं रेट का भाव कैसे वो सेट करते हैं। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे और तमाम भाइयों और बहनों को भाई हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। अब भैया कोई तो मांगे 10 के 15 कोई मांगे 20 मांगे कोई 12 मांगे हम तो 12 ही दे दें। अब कभी 10 दे दें ऐसे के वहाँ तो 15 मिल रहे हैं वहाँ 20 मिल रहे हैं। भैया 20 वाले पे जाओ या 15 वाले पे जाओ। दीपावली यानी दीपों का उत्सव। यूं तो दिवाली के त्योहार का इंतजार देश भर के लोगों को उत्सुकता से रहता है लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है वो रहता है कुम्हार और कुम्हार के परिवार को क्योंकि जैसे कहा जाता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार है दीपों का उत्सव है। तो आप ये देख सकते हैं जो कुम्हार होते हैं वो इन दियों को दिवाली से कुछ दिन पहले से ही इस तरीके से तैयार करने लग जाते हैं कि बाजार में इनको उतारा जाएगा और ये मिट्टी का दिया जो दीपावली की रौनक है जो घरों की छतों पर घरों के आंगन में जलाए जाते हैं इस मिट्टी के दिए को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या इनका सही दाम इनकी मेहनत के अनुसार इन लोगों को मिल पाता है। मेरे साथ एक अम्मा जी हैं जो बीच बाज़ार में बैठी हुई हैं। बाज़ार सजा हुआ है लेकिन अम्मा जी अपने कुछ दीवलों को लेकर दियों को लेकर बाज़ार में बैठी हुई हैं। अम्मा कितने साल से आप ये काम करती हो? अम्मा हमें तो बहुत साल हो गई यहाँ बसी विनाई कॉलोनी जब से आए हम हमें 50 साल हो गए हैं। जब तो यही काम करते हैं हमारे घर पे भी यही काम होता है हमारे ससुराल में यही काम होता है हमने भी यही काम करा है। अच्छा क्या कहोगी अम्मा पूरा साल साल में दिवाली एक बार आती है तो दिवाली का बड़ा इंतजार करती होंगी दिवाली कब आएगी? हाँ कब आएगी इंतजार करो और सब बने रहे भैया सब खाने पीने सब बने रहे सबके परिवार बढ़े फूल फुलवारी बढ़े खूब खुश रहो। अच्छा अम्मा कितने का दिया बेचती हो ये? अब भैया कोई तो मांगे 10 के 15 कोई मांगे 20 मांगे कोई 12 मांगे हम तो 12 ही दे दें। अब और कभी 10 दे दें। अच्छा कभी 12 दे दो कभी 10 दे दो और क्या करें जब तुम 12 आ जाए तो 10 ले जाए चल माँ का कमा रही है हम 2 रुपया कमा रही है 2 रुपया कमा रही है हाँ चल। अच्छा, 10 के ही दे दे अम्मा। एक आप जब खरीद के लाती हो या आप जब इनको जब बनते हैं ये दिए आप किसी से खरीदती हो दिए है? आप काई से खरीद के लाओ दिए? हाँ खरीद के आते हैं ये तो आप पहले बनाए करे यहीं यहीं तो पहले मट्टी भी अब यहाँ मट्टी भी ना बेटा। तो अम्मा एक दिए पे अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने रुपए बचते होंगे? एक दिए पे कुछ ना बचे जब 10 रुपए के बिकेंगे जब 1-2 रुपए बचेंगे मेहनत भी ना पूरी हो होती है कोई 10 बार 15 बार उठाने धरने करने मट्टी मनानी वो करने पर अपनी कार है बेटा ये अपनी परंपरा है। अब औलाद नहीं करेगी औलाद की औलाद भी ना करेगी बस यही बात है। यानी आपका कहना है कि अगर 10 रुपए के दिए बेचती हूँ तो 1 या 2 रुपए बचते हैं? हाँ। तो अम्मा कोई तो ऐसा भी आता होगा यूँ कहता होगा अरे अम्मा तू तो इतेक दे रही है बूतेक दे रहा है। हाँ हाँ ऐसे कहें वहाँ तो 15 मिल रहे हैं वहाँ 20 मिल रहे हैं भैया 20 वाले पे जाओ या 15 वाले पे जाओ हम तो तेरे जीव करे 15 ले 12 ले जा अरे 20 के 24 हैं भाई 10 के 12 20 के 24। हाँ अच्छा तो मोल भाव भी करते होंगे लोग आके अरे अम्मा तू कहाँ बेच रही है बूते देख में दे रहा है कम कर ले हो ये कर ले हो वहाँ तो इतने को मिल रहा वहाँ इतने में वहीं जाओ तो हम तो कह देते वहीं जाओ। अच्छा हाँ मोल भाव करने वाले मिलते हैं? हाँ मिलते हैं और कोई ऐसा भी आता है जैसे बता दिए ऐसे लेके भी चले जाता है।
अम्मा कै बजे आई यहाँ ठीए पे? ठीए पे आई मैं 8 बजे। 8 बजे सवेरे? हाँ। क्या रुपया की दुकानदारी हुई अब तक? वही 100 रुपये 150 की, 200 रुपये की हुई है, झूठ ना बोले हम। यानी सुबह तुम ठीए पे 8 बजे आई, अब लगभग 1-1.5 बजे का टाइम है। सामान भी तो धारोवे ले आके नहीं है, अपने मेहनत भी तो है, धोनो ढानो करनो बीनो इतने फूल जाते हैं। ठीक है, इतने फूल जाते हैं और तो कट्टा भरो धरो वहाँ है, तो इनकी मेहनत कौन दे, कोई ना दे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिया जो 10 रुपए के 12 अम्मा बेच रही हैं, उसमें मेहनत इतनी है कि मट्टी कूटो दिया बनाओ, एक दिए को बनाने में लगभग 5 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन बाजार तक उस प्रोडक्ट को लाना, बाजार तक इन दियों को लाना, फिर उसके बाद ठिया लगाना, ठिए पर कहीं ना कहीं बैठ के ग्राहक का इंतज़ार करना, और जब ग्राहक आते हैं तो कुछ ग्राहक अम्मा का कहना ऐसे भी आते हैं कि वो मोल भाव भी करते हैं। अम्मा चले जाते हैं, छोड़ के भी चले जाएं, छांट लेंगे छोड़ के भी चले जाएंगे, ये भाव दे रही है, ऐसे भी हो जाती है। लग जाओ छोड़ जाओ, मेरा कुछ ना छोड़ के जा रहे जाओ। हाँ, पैसे ऐसे कर रही थी मैं तो। अम्मा आप जैसे तुमने 200 रुपया की कमाई कर ली सुबह से, अब तक 200 रुपया बेच दे सब, तो सवेरे से अब तक 200 रुपया में तुम्हें मेहनत आना कितनों मिलो होगो? हमें मिले 100 रुपये। आज का कहाँ फर्क हो? तो बता, 100 के बेगे मेहनत भी तो कितनी है, यूँ बता दी बेटा। नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब है 200 रुपए के बिक गए लेकिन मेहनत अलग है। हाँ, मेहनत बहुत है, कितने फूल जाते हैं धर देते हैं, यही बात है। और भैया देख, ओसे ये ना देखो बता रही हूँ, अब जो बात जा रही है, जब बुढ़िया के झोरे तो आ जाएंगे दुख में, और सुख में कोई ना आवेगा। नहीं, सुख में आ जाएंगे, दुख में कोई ना आवेगा। मोर दुख ना है। अच्छा अच्छा, ये अब मैं दुख में यूँ आ जाएंगे कि मेरे बालक के ये है गो, मेरे वहाँ के यू है गो, मेरे यू है गो, जब तो आ जाएंगे और दीवला लेंगे बाहर खेलते तो दुख होगा, हमें काय को दुख ना हो, ऊपर लबर देने वाला है। यानी संतुष्टि। अच्छा अम्मा, ये कब तक बिक जाएंगे? ये 9 बजे तक बिकेंगे। कितने का माल होगा ये, कितने रुपए के लाई होंगे तुम? ये तो पता नहीं, बच्चे ले आके दे देते हैं अपनों, लगे रहते हैं, वो तो मने भी करते हैं बच्चे, फिर हमारा जी अपना तू देख वो देख कर लेते हैं। बच्चे मना करते हैं कि अब तुम ना जाओ बेचने के, लेकिन कुछ मजबूरी भी है अम्मा? नहीं मजबूरी, मजबूरी ना है ना, मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, अपनी मर्जी से। मेरे मजबूरी की तो मेरे ये खड़े पूछ लो, बहुत हैं, मजबूरी ना मेरे, मजबूरी नहीं है। मन है कि आऊँ बाजार में बैठूँ, लोगों को देखूँ दिए। हाँ हाँ, यही है बस, मन बटोर है, और उनको बटोरे माँ राम राम, माँ राम राम, छोटे बच्चे भी रहे माँ टा 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 करते चले जाओ। कितने साल हो गए अम्मा बेचते हुए? 50 साल की तुम बता रही हैं? अरे हमारी जिंदगी लिखा जाएगी बेटा, हमारे गांव में भी यही काम हो, ससुराल में यही काम हो, और अब हमने भी यही काम करो यहाँ। अब तो मैं बनाती ना हूँ ना, बनाती मैं। तुम बनाती? हाँ, मेरी ये बाँह टूटी है ना, जब तक ना बनाती हूँ पूछ रही पड़ोसी ने ये खड़े पड़ोसी। तो एक दिन में कितने दिए बना लेती तुम? बस बस 100-200 बस। 100-200? हाँ, ऐसे बना लेते। और भी तो काम करे, भैंस रखे, बच्चे ने रखे, खानो पीनो सब करे। अच्छा अम्मा एक बात बताइए, पूरा साल आप इंतजार करती हैं, पूरा साल आप सोचती हैं कि दिवाली आएगी हम दियों को बेचेंगे, दिवाली के 2-3 दिन तक ये दिए बिकते हैं, उसके बाद जो उसमें भी कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि अम्मा कम कर लो, अम्मा वहाँ तो इतने बिक रहे हैं, क्या जो मेहनत आप करते हो वो मिल पा रही है? नहीं, कोई बात ना, मिलो मत मिलो, सब भगवान को ही सब कुछ है, हम ना कुछ जा रो चले जाओ आ रो आ जाओ, यही बात है। ये काय लगा रखी मेरे पे मुँह पे? जाई में तो आवाज आ रही है। अच्छा कोई बात ना, अब बहुत देर रह गई, अब बना ली तुम और हम बना ली हम। खुश हो? हाँ खुश हूँ, मैं खुश के मारते यहाँ बैठती हूँ। अच्छा, आज कल दो बहू आ गई ना, दो तो खाट में बैठ जाएंगे, मन दो के नहीं।
मेरे तो बहू आएगी, चाय देगी, रोटी देगी। मेरी बहू भी देती है। तो ना है तुम ते? नहीं, मेरी बहू रोटी भी देवे, चाय भी देवे। अच्छा। पर मैं रहती ना हूँ घर में। अच्छा। मैं तो भगा भग पे रहती हूँ, नहीं हो जाऊंगी फूल के जैसी ये रही सब। मेहनत करती हो। हाँ। देखिए दिवाली पर खुशी से चहकता अम्मा का ये चेहरा। हालांकि कुछ लोगों की ये मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन जो लोग इन मिट्टी के दियों की मेहनत को नहीं देखते और सिर्फ मिट्टी को मिट्टी समझ के खरीदने आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये बूढ़े बुजुर्ग जो बाज़ार में इन दियों को लेकर बैठते हैं, इनके पीछे की कितनी बड़ी मेहनत होती है। और बाज़ार तक जब ये दिए लेकर आते हैं तो जो लोग मोल भाव करने की कोशिश इनसे करते हैं, इनका 10 रुपये के 12 दिए ये बेचते हैं, उसमें महज 1 या 2 रुपये इनको या 3 रुपये बच जाते होंगे, लेकिन इनकी खुशी का जी हाँ, उसको कोई ना देखे। हाँ। कोई बात ना, लेकिन फिर भी खुश रहना सीखिए, ऐसे लोगों के पास आइए, ऐसे लोगों की हस्ती जिंदा है, तभी तो ये लोगों की खुशी जिंदा है। आप देख सकते हैं कि इस दीपावली के त्यौहार पर भी हम यही संदेश देने के लिए आए हैं हेडलाइंस इंडिया की टीम, हर साल की तरह आप लोगों को इन्हीं लोगों के बीच लेकर आती है, जो लोग आप ही की तरह, देश के सभी लोगों की तरह दिवाली का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि दीपावली आएगी तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर होगा। हर किसी के घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन इन कुम्हारों के घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन इस रूप में होता है जी। प्रजापति ते ही होता है, पता होता है, प्रजापति ने सब कुछ बनाया। प्रजापति ने, देखिए कुम्हारों के घर का इनका ये कहना है कि इन दियों के दियों से ही सबके घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि दियों की जगमगाहट ही माँ लक्ष्मी को अच्छी लगती है। लेकिन आप भी जब भी बाजार में निकलें तो इन गरीब लोगों से मोल भाव ना करें और इन इस मट्टी की मेहनत को पहचान कर ही आप इनका दाम दें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। क्या भाई, छोटी सी वीडियो थी और बड़ी प्यारी वीडियो थी, और इस वीडियो का जो मेन जो पर्पस था दिवाली है, क्योंकि दिवाली जो है, दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और दियों से रोशनी की जाती है दीवारों, मकानों की छतों पे और दीवारों के ऊपर। तो ये त्यौहार जो है ना भाई साहब, ये कई लोग ऐसे होते हैं जिससे इस त्यौहार के त्यौहार की वजह से जिनके चूल्हे जलते हैं, लोगों के गरीब घरों के चूल्हे, वहाँ पे रोटी बनती है और उनको रोजगार मिलता है जी। तो आजकल का जो मॉडर्न दौर आ चुका है, लोग जो है, कई लोग जो है वो तरह तरह की, वो चाइना की, अब तो लाइटें भी काफी ज्यादा है, तरह तरह की इंडिया मेड इन इंडिया भी होगी, लाइटिंग वगैरह काफी वो आ चुकी है, तो वो लगाते हैं। लेकिन जो पुराना कल्चर था और जो पुराना असल रिवाज था वो था दियों के साथ स्वागत किया गया था श्री राम का, जब वो वनवास काट के आए गए, तो उस वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये देखें कि इससे कितने वो गरीबों को फायदा होता है और उनकी मेहनत भी होती है। कुछ लोग जो वाकई जो बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो बहस मुबासा करते हैं कि ये इतने का वो मेहनत के हिसाब से रेट। मैं तो भाई हैरान था, इधर कम से कम तो ये एक जो 10-20 रुपए का तो ये पक्का होगा, एक मिलेगा। 10 के 12 दे रहे थे, 10 के 12। मैं तो भाई कह रहा था भाई ये तो फारक भाई तो बोल रहा था 100 के 12, मैं सोच रहा था कि 100 के 12 में 10 रुपए का है। तो ये बार बार जो बोल रही थी कि ये 10 के 12, मैं हैरान था भाई 10 रुपए के 12 दिए बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, और देखा जाए तो भाई 10 रुपए कुछ मैंने नहीं इतने रखते। सही बात है। लेकिन उन 10 रुपए की वजह से वो एक चेहरे पे, एक चेहरे पे खुशी आ सकती है। ये छोटी छोटी बातें, और ये दिया बनाने के लिए बनाने में टाइम भी लगता है, मेहनत लगती है। अच्छा, हम कह रहे थे घर पे मजबूरी नहीं है, लेकिन घर में बैठा नहीं जाता, ये अच्छी है, अच्छी बात है, तंदुरुस्त भी फिट में, इसी वजह से ही है। घर में बैठ जाते तो भाई 100 बीमारियां लगती थी। ऐसे होते हैं लोग जो घर में बैठ जाते हैं, और वो भाई एक तो घर वालों पे भी कहीं जो ऐसे ही बैठ जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई वो लड़ाई में शामिल रहते हैं, तो वो भी खराबी होती है। तो ये माई जो है वो काम कर रही हैं और अच्छा है, और घर में भी उनकी इज्जत है, वो कहती है मेरी बहुएं जो है रिस्पेक्ट करती हैं,
तो बहुएं जो है जो भी काम करेगा हाँ। जो कमा कर रहेगा हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करेगा ये किसी पे बोझ नहीं है, ये एक अच्छा सबक भी है भाई, किसी पे बंदा बोझ नहीं बनता। लेकिन भाई हमारा जो ये भी है कि हमारे जो कल्चर है बहुत अच्छा, कुछ लोग जो है बुजुर्गों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन भाई बुजुर्गों के साथ वो मौजे मारे होते हैं, मतलब ना बुजुर्गों को काम नहीं करते। हाँ कई है, वो मेरे वाले साहब भी काम करते थे ना, वो अक्सर हम लड़ पड़ते थे कि भाई छोड़ दो अभी बूढ़े हो गए, तो वो कहते तुम मुझे चार पाई में बिठा के मारना चाहते हो ऐसे बंदा काम करता है तो भाई अगर उसको जबरदस्ती तारक पाई बिठाएंगे ना तो उसको ऑटोमेटिकली बीमारियों ने घेर लेना। और ऐसा ही हुआ, वो चलते थे, बाद में क्या हुआ जब वो घर पे बैठ गए तो वो क्या जाए इधर किसी के डेरे पे चला जाना, दोस्तों की यारों के साथ वो बैठे रहना बातें करना, फिर क्या उनकी वो टांगों में दर्द, वो उठने बैठने से भी तंग हो गए, ये हो जाता है। बंदा चलता रहे तो फिट रहता है, और उनको कोई बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ता था उनका। और अच्छा तारक भाई इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर कोई देखना चाहे या जो समझना चाहे इस तरह के, ये नहीं भी ये जम्मा जी हैं जो वो बैठी इस तरह के और बूढ़े कई हैं, कई हैं वो मजबूरी में बेच रहे लोगों का काम, अगर ना भी दिल करे ना कुछ चीज लेने का ना भी उनसे ले ले, उनके ना दुख में शामिल हो जाए, उनके चूल्हे में आपकी मदद हो जाए। मेरा एक दोस्त था वो चेन्नई से, तो अक्सर जब हम गाड़ी में जाते थे ना तो ये जो वो मरूना नहीं बेचते सड़कों पर, उनके पास भाई गाड़ी रोक लेता था। हमने कह रहा यार क्या कर रहे, कहता भाई तुम्हें नहीं पता इन लोगों की कितनी मजबूरी है। सही बात है, तो उनसे ना वो उनका बंडल ही खरीद लेता था। अच्छी पूरा मतलब क्या ना, कहता भाई कितने का है इतने का है, पूरा बंडल ही खरीद लेता, कहता घर में बच्चे खाएंगे भाई चलो इसकी दिहाड़ी तो सीधी। हाँ ये बात है यार, मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी देखी है, जो गाड़ियों वाले होते हैं ना वो वीडियो भी बना लेते हैं ना शूट कर लेते हैं, ये सारे का सारा सामान नहीं था। ये कुछ ऐसा होता, ऐसा होता है ना भाई, कुछ लोग जो देख के और भी मेहनत करते हैं, शुरू करते हैं यार, वो भीख नहीं ना मांगते, हालात ही कमा रहे हैं, अगर उसमें आप अपना हिस्सा डाल दे तो वो कल को और ज्यादा करेगा। सही बात है, मोटिवेट होता है, उसको अपने पास पैसा देने से भीख देने से देखा जाए आजकल भाई बहुत ज्यादा सिग्नल पे वो भीख मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं, उनके माँ बाप उनको शुरू से ही ऐसी वो आदत डाल देते हैं, और वो इतने ढीठ होते हैं, उनको जितनी मर्दा दफा पूछ ना वो परे करो बेचो दफा, वो मतलब वो मानते ही नहीं, इतने वो ढीठ हो जाते हैं ना, वो मानते ही नहीं, उनको पैसे दो फिर भी वो कुछ ना कुछ और ही डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बच्चों में जो आदत ये डाल देते हैं ये बुरा है, इससे तो वो ना भिखारी पैदा करने वाली बात होती है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो आम, चलो बंदा है गवर्नमेंट तो वो कर रही है अपना जो जितनी उसमें हिम्मत है, आम बंदा जो है ना वो कोशिश करें कि जो गरीब है जो कोई लगा के रेडी वगैरह बैठा उससे सौदा खरीद लें, ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और ज्यादातर बूढ़ों और बच्चों से खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो काम जो है ना वो मजबूरी करते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है भाई साहब, बड़ी अच्छी थी वीडियो, और फिर भाई आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं, और ज्यादा तरक्की करें, हमारी दुआ आपके साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।